अब सेलफोन के बोलते हैं ना ज्यादा इस्तेमाल से तो जो डिजिटल डिमेंशिया होता है, ब्रेन में खून की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन इससे दिमाग के सेल्स को स्वामी जी नुकसान भी होता है, तो वो डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसे में प्राणायाम का सेशन तो हम करेंगे लेकिन वो सबसे आखिर में होगा, लेकिन ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्वामी जी क्या यौगिक आयुर्वेदिक उपाय हम कर सकते हैं? तो देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन के अलावा, भुजंगासन के अलावा, जितने भी हम ये यौगिक अभ्यास करते हैं ना, इनमें शरीर के साथ प्राणों का भी संतुलन होता है। एडवांस योग तो हमारी बेटियां कर रही हैं, इनका तो ब्रेन सुपर ब्रेन हो गया है, और जल नेति सूत्र नेति इसमें बड़ा लाभ करती हैं। तो आज हम जल नेति सूत्र नेति भी साथ साथ बता रहे हैं, भुजंगासन के साथ मरकटासन भी करा रहे हैं। जल नेति सूत्र नेति, बादाम तेल को नाक में डालना, उसको नस्य कहते हैं, बादाम तेल, और ज्योतिषवती थोड़ा तेज हो जाता है, जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त होता है। मरकटासन और भुजंगासन ये ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। डीजनरेट वे ब्रेन के सेल्स को, जिनको हम ब्रेन के सेल्स को न्यूरोन्स, लंग के सेल को अल्वलाइज, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रोपैथी इसलिए वो बीमारी भी हो जाती है, फिर लंबे समय तक डायबिटीज या बीपी आदि रहेगा। तो जो है, एक तो ये अभ्यास करें सब, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। चांदी मस्तिष्क के लिए बड़ी अच्छी होती है, और आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए कपालभाति एक एक घंटा हम करवाते हैं, और मिट्टी को पानी में अथवा पानी के साथ थोड़ा सा एलोवेरा हल्दी और मिला दी, थोड़ा एलोवेरा हल्दी अपामार्ग और मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिला करके मिट्टी के अंदर, और उसको सिर पे लगा देते हैं। एक घंटे तक ऐसी मिट्टी सिर पे रखते हैं, थोड़ी देर में सूख जाती है, फिर कपालभाति करवा देते हैं, थोड़ी देर में अनुलोम विलोम भी करवा देते हैं। एक घंटा कपालभाति, एक घंटा अनुलोम, ब्रेन ट्यूमर तक ख़त्म हो जाता है। आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है, ऑपरेशन के बाद दोबारा से ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है। मरकटासन, एक तो घुटने पर घुटना, एक घुटने पंजे में फासला, फिर पैर सीधे करके, आज ये अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको ज़रूर देखें, सीखें, करें। तो मस्तिष्क के लिए, ये स्पाइन के लिए भी अच्छे हैं मरकटासन और भुजंगासन, ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छे हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन ये ज़रूर करना है। तो सर्वांगासन हमारी सब बेटियाँ कर रही हैं, ऐसे शीर्षासन और सर्वांगासन, ये मस्तिष्क के लिए रामबाण जी मेरी बहन। स्वामी जी, आयुर्वेदिक उपाय के साथ साथ, योगाभ्यास के साथ साथ, कैसे डिजिटल डिमेंशिया को दूर किया जाए उसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों में डिजिटल डिमेंशिया का असर ये होता है कि उन्हें पढ़कर भी जो पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं रहता, वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस घटने लगती है। तो ऐसे में बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए? एक शब्द बोला जाता है मेरी बहन ज्योत्सना जी, बहिर्मुखता। बहुत ज़्यादा बहिर्मुखता आ गई है, अंतर्मुखता चाहिए, स्थित प्रज्ञता चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए। चंचलता इतनी ज़्यादा आ गई मस्तिष्क में, बाहर की इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति स्वयं खो गया है। सूचना तंत्र के इस भीड़ के, विचारों की भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति इतना ज़्यादा पगला गया है कि उसकी निजता ही खतरे में पड़ गई है। आजकल निजता के ऊपर बड़ी बात होती है पूरी दुनिया में, लेकिन हमने अपनी निजता को ख़त्म कर दिया। तो देखो, इस एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का बुरा है, ज़्यादा घी खाना, ज़्यादा दूध पीना, फिर नशा तो थोड़ा भी ख़राब है, नशे का एडिक्शन, ज़्यादा खाने पीने का एडिक्शन, ज़्यादा सोने का एडिक्शन, ज़्यादा बोलने का एडिक्शन। कुछ लोग इतने बतियाते हैं रे रामा राम, चुप ही नहीं होते। कुछ लोग इतने ज़्यादा सोचते हैं, ऑफ बटन ढूंढना पड़ता है। ज़्यादा कोई भी चीज़ का एडिक्शन बड़ा खतरनाक है। किसके पैर में ऐसा चक्कर रहता है, अब हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जब तक 5-7 दिन में पहाड़ पे इधर उधर, अब मैंने कल पूछा कहाँ हो, बोले मैं तो आबू पर्वत आ गया। मैंने कहा कैसे, बोले कार से।
मैंने कहा अहमदाबाद फ्लाइट से चले जाते बोले नहीं मुझे घूमने फिरने में तो घूमने फिरने का एडिक्शन होता है तो उनके पैर में चक्कर है बोले इसके पैर में चक्कर है तो ये जो चक्र का चक्र व्यू है ना दिमाग में किसी के हाथ पैर निचले बोले ए थोड़ा निचला बैठ जा गांव की भाषा में कहते हैं चंचलता मत कर हाथों को कहीं नाक में कहीं कान में ठूस के रखेंगे सिर में घुसाते रहेंगे आगे पीछे खुजाते रहेंगे पैर हिलाते रहेंगे तो इस ये जो चंचलता है ना ये इसको तमोगुण या रजोगुण कहा गया इससे बाहर निकालना पड़ेगा व्यक्ति को सत्व में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा तो आज सर्वांगासन और शीर्षासन शीर्षासन करो बेटियों शीर्षासन और सर्वांगासन ये दो आसन लंबे करने बाकी तो सारे आसन और प्राणायाम अनुलोम विलोम भी इसमें बड़ा कारगर होता है और जिनका दिमाग ज़्यादा ही गड़बड़ा गया है उनको तो फिर ये मेधावटी दे दो ये मेधावटी ये देखो मेमोरी के लिए तो मेमोरी ग्रेड बहुत ज़बरदस्त है जी। ये मेधावटी से ना चित्त शांत हो जाता है जिनका चित्त बहुत ही चंचल रहता है ना उनके लिए बहुत जरूरी है स्वामी जी मंडूक आसन तो ये करो बच्चों आपने कहा कि चंचलता जो है अच्छा कर रहे हैं सब हाँ वो भी इंसान के लिए कई बार नकारात्मक हो जाता है बच्चों के लिए तो खास तौर पे लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए आजकल उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं जिसमें वो बच्चे क्या करते हैं मोबाइल गेम्स भी खेलने लगते हैं और खूब खेलते हैं लेकिन अब सर्वे तो ये बताता है कि इसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी घटी है और जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं अगर बचपन में ही शरीर का ढांचा कमज़ोर हो गया तो उम्र भर की तो परेशानी बढ़ी जाएगी तो स्वामी जी बच्चों को स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनाने के लिए योग का एक पैकेज करवा दीजिए अरे ढांचा ही कमजोर नहीं हो रहा जी मेरे भाई अमित जी अभी तो बच्चों को स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस बच्चों को अर्ली एज में पार्किंसन छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसके लिए बच्चों को मरकटासन भुजंगासन के साथ ये उष्ट्रासन भी करना चाहिए और ये बच्चे जो एक जगह बैठ नहीं जाते ये माँ बाप एक तरह से वो अविवेकी हैं थोड़ा सा कठोर भाषा में बोलूँ तो मूर्ख हैं वो माँ बाप बहुत ही लापरवाह हैं वो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं एक तरह से बैरी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं उनको बच्चों को चलो बच्चों चक्रासन करो ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन अब उष्ट्रासन चक्रासन भुजंगासन मरकटासन चक्रासन तो बच्चे खड़े होकर के भी कर लेते हैं लेट करके भी कर सकते हैं हाँ चक्रासन बहुत अच्छा ये बच्चे खड़े होकर के कर रहे हैं बच्चों को तो ऐसे इससे बहुत अच्छा रहता है तो बच्चों का स्ट्रक्चरल बैलेंस रखने के लिए चक्रासन करवाएं बच्चों से उष्ट्रासन कराएं बच्चों से और बच्चों से सूर्य नमस्कार तो करवाना ही कराना है जो हमने शुरू में करवा दिया था बच्चों को धूप में दौड़ाएं थोड़ा सा सुबह सुबह शाम को एक घंटा धूप में खेलने दें धूप लग जाएगी अच्छा सर्दियों में सर्दी लग जाएगी नीचे बनियान ऊपर स्वेटर फिर कोट फिर कंबल रजाई उड़ करके बच्चों को ऐसे पूरा बांध जोड़ करके रखते हैं हमने बचपन से आज तक ना कभी बनियान पहनी ना कभी स्वेटर पहनी कोट रजाई कंबल तो हम कोई रात को चुपचाप उड़ा भी दे तो फेंक देते हैं मीन्स अब बच्चों को सर्दी में सर्दी लगती है गर्मी में गर्मी लगती है फिर बच्चे ऐसे चुलबुले थुलथुले ना बच्चों को मजबूत बनाइए हम बच्चों को मजबूत बनाते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्यपुरम विश्वविद्यालय में पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को तपस्वी बनाते हैं थोड़ा तो बच्चों को धूप में बैठाएं प्राणायाम करवाएं योगाभ्यास कराएं बच्चों को एक घंटा धूप में खेलने दें धूप में मिट्टी में उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों को दौड़ लगवाएं सुबह सुबह सूर्य नमस्कार और भुजंगासन का तो मैंने नियम ही दिला दिया 100 बार भुजंगासन कम से कम 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार ये तो करना ही पड़ेगा और पाचन तंत्र अच्छा रहे श्री मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ अभी
वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन भी कराएंगे। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी करवा देते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा। ये सूक्ष्म व्यायाम आदि ये तो कितने अच्छे ना बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। ये अभ्यास भी मैं देखता हूँ बच्चे बटरफ्लाई और ये अभ्यास तो बड़े अच्छे से करके इस खुशी मिलती है उनको। बच्चों को वैसे भी क्रियाशीलता पसंद है तो बच्चों को कुश्ती करवाया करें, कबड्डी और ताकत वाले गेम्स वो खेलने चाहिए बच्चों को। ये जो डिजिटल गेम्स हैं ना और ये जो हल्के फुल्के गेम्स हैं इसमें बच्चे महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे, छत्रपति शिवाजी नहीं बनेंगे, इससे राणा सांगा नहीं बनेंगे कि 80 घाव लगे फिर भी लड़ रहे योद्धा के रूप में। बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे कोका कोला पेप्सी पी करके बर्गर पिज्ज़ा खा खा करके बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा नमक ज़्यादा चीनी और ये जो एसिडिक वाटर जी और कार्बोनेटेड वाटर, स्वामी जी वाटर पीना चाहिए। आपने खाने का जिक्र किया है तो बच्चों को जूस पिलाएं, गाजर का, चुकंदर का, अनार का, मौसमी का, संतरा का, आंवला, एलोवेरा का। जी मेरे भाई,